हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो फिर जब भी आप लोग फेस को स्मूथ करते होंगे तो आप लोग के फेस के नीचे ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा, ठीक है? यानी मतलब कि जब भी आप लोग फेस को स्मूथ करते होंगे तो देखिए यहाँ साइड में ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा। जैसे कि आपको देखिए हम अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा। और जब भी आप लोग, मेन बात ये बताते हैं आप लोग को, जब भी खास तौर पे आप लोग फेस को स्मूथ करते होंगे तो आपका जो नोज होता है, यानी मतलब कि जो नाक होता है, आप लोग क्या करते हैं, एक ही लेवल में अच्छे से स्मूथ नहीं कर पाते, ठीक है? और आज की इस वीडियो आप लोग को बताएंगे फिर आप लोग अपने फोटो को फुल एचडी कैसे कुछ इस तरीके से स्मूथ कर पाएंगे। एंड आज की वीडियो आप लोग बताएंगे फिर अपने हेयर को कैसे फुल एचडी एडिट कर पाएंगे। जैसे कि आपको दिखाते फिर देखिए बिफोर, बिफोर में हमारा कुछ इस तरीके से हमारा हेयर है। एंड हम लोग का फेस पे देखिए ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं है, यानी मतलब कि ज़्यादा फुल एचडी में हमारा फोटो नहीं है। और जो मैं अपना फोटो एडिट किया हूँ तो देखिए बहुत ज़्यादा फुल एचडी में मैं अपना फोटो एडिटिंग कर दिया हूँ, यानी कि हेयर एडिट फुल एचडी एंड फेस स्मूथ। एंड जब भी हम अपने फेस को स्मूथ किए हैं तो देखिए जो नोज होता है वहाँ पे ब्लैक ब्लैक नहीं आए। और जब भी आप लोग स्मूथ करते होंगे तो यहाँ साइड में ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा। जैसे कि देखिए आपको दिखाते हैं साइड में ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फिर आपको फिर से दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो आज का एडिटिंग आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि फिर आज की वीडियो में आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर लेंगे तो आप लोग जब भी फेस को स्मूथ करेंगे तो यहाँ पे आप लोग के फेस के नीचे ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिर आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने के बाद सिंपली आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे चले जाना है। देन टूल्स वाले आइकन पे जाने के बाद सिंपली आप लोग को डिटेल्स पे क्लिक कर देना, ठीक है? डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद इसका आप लोग को स्ट्रक्चर 100 कर देना, ठीक है मेरे भाई? अगर आप लोग के फेस पे आता इफेक्ट आने दीजिए, ठीक है मेरे भाई? आप लोग अच्छे से वीडियो पे फोकस कीजिएगा, जो भी इफेक्ट आता है पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोग जान जाएंगे कैसे रिमूव किया जाता है एंड कैसे आप लोग अपने फेस को फुल एचडी स्मूथ कर पाएंगे, ताकि आप लोग के फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। तो सिंपली स्ट्रक्चर को 100 कर लीजिएगा। इतना करने के बाद शॉर्पनिंग को भी आप लोग को 100 कर देना है। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को डन कर देना, ठीक है? डन करने के बाद सिंपली आप लोग देखिए ऊपर एक शेयर के ऑप्शन के बगल में एक एरो का निशान होगा, ठीक है? तो सिंपली आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको व्यू एडिट्स पे आ जाना है। देन व्यू एडिट्स पे आने के बाद सिंपली आप लोग को डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है? डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली देखिए एक ब्रश ओपन हो जाएगा, सिंपली आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? सिर्फ आप लोग को फेस पे अप्लाई करना है और सॉल्ट एंड बैकग्राउंड पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई? तो सिर्फ आप लोग को अपने फेस पे अप्लाई करना है एंड आप लोग अपने सिर्फ हेयर पे अप्लाई कीजिएगा। अगर मान लीजिए गलती से आप लोग बैकग्राउंड पे आ गया तो सिंपली आप लोग यहाँ से जीरो करके और अच्छे से इरेज कर लीजिएगा। तो सिर्फ हम अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं एंड हेयर पे अप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे भाई? अच्छे से वीडियो में फोकस कीजिएगा तो अभी आप लोग जान पाएंगे। देखिए कितना अच्छे से अभी हमारा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर हेयर पे एंड फेस पे क्लियरिटी हम डाल रहे हैं। तो फिर आज आप लोग समझ ही जाएंगे आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सिंपली आप लोग को भी क्या करना होगा, अच्छे से फेस पे एंड हेयर पे अप्लाई कर लेना होगा। इतना करने पर सिंपली आप लोग डन कर देंगे, ठीक है? डन करने पर सिंपली आप लोग को दिखाते हैं फिर देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इतना करने पर सिंपली आप लोग को फिर से टूल्स वाला आइकन पर चले जाना है। देन टूल्स वाला आइकन पर जाने के बाद सिंपली आप लोग को ट्यून इमेज पर क्लिक कर देना है। ट्यून इमेज पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग को एम्बियंस को 100 कर देना है, ठीक है? आप लोग के देखिए फेस के ऊपर सेचुरेशन आता होगा तो आने दीजिए, ठीक है? पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आप लोग को बताएंगे कैसे आप लोग अच्छे से मैनेज करेंगे। तो सिंपल आप लोग एम्बियंस को 100 कर लीजिएगा एंड हाइलाइट्स को आप लोग को 100 माइनस कर देना है एंड शेडो को थोड़ा सा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से बढ़ा लीजिएगा तो +27 कर दे रहे हैं। इतना करने बाद यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। डन करने बाद सिंपल आपको फिर से टूल्स वाला आइकन पे चला जाना है। देन टूल्स वाला आइकन पे जाने के बाद सिंपल आपको सेलेक्टिव पे क्लिक कर देना होगा एंड सिर्फ आप लोग अपने फेस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है? तो सिंपली फेस पे हम फोकस कर दिए हैं और इसका सिचुएशन कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो -16 कर दे रहे हैं एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा आप लोग अपने फेस के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से इतना करने के बाद सिंपली यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। तो फिर देखिए आपको बताते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है भाई? देखिए जो भी फेस पे इफेक्ट आया है पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आप लोग बता देंगे कैसे फेस को फुल एचडी स्मूथ करेंगे एंड फेस को स्मूथ करेंगे तो आप लोग के फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। तो फिर हम लोग एडिट कर चुके हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए फिर शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर।
तो फ्रेंड हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइट एप्लीकेशन के अंदर, देखिए हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। ठीक है, पूरा अच्छे से वीडियो वॉच कीजिएगा, आज के वीडियो में आप लोग का प्रॉब्लम हम सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है भाई, जब भी आप लोग फेस को स्मूथ करेंगे तो फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। तो सिंपली शेयर करने बाद सिंपली आप लोग को लाइट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। देन लाइट वाले ऑप्शन पे आने बाद सिंपली आप लोग ब्लैक को कुछ इस तरीके से 58 माइनस कर देना। ठीक है, अभी और ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, यानी मतलब कि बहुत ज़्यादा हम लोग के फेस पे इफेक्ट आ रहा है। तो अच्छे से वीडियो में पूरा फोकस कीजिएगा, तभी आप लोग जान पाएंगे। तो व्हाइट्स को ब्लैक को कुछ इस तरीके से 58 माइनस कर देना है, एंड व्हाइट्स को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा तो 36 कर देना है फ्रेंड। और शेडो को भी आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा, 28 बढ़ा देना है। ठीक है मेरे भाई, इतना करने के बाद सिंपल आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। देन इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आपको मिक्स वाला आइकन पे चले जाना होगा। मिक्स वाला आइकन पे जाने के बाद सिंपल आपको देखिए तीसरे नंबर पे आप लोग को क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको सेचुरेशन को 100 माइनस कर देना है। ठीक है, 100 माइनस करने के बाद सिंपल आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है और इसका भी सेचुरेशन 100 माइनस कर दीजिएगा। और सबसे मेन आपको दिखाते हैं फिर कहाँ पर आप लोग को फोकस करना है, इस वाले ऑप्शन पर ज़्यादा आप लोग को फोकस करना है। तो सिंपली हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। देन इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली देखिए क्या करना है आप लोग को, सेचुरेशन को कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ठीक है, अभी देखिए आपको दिखाते हैं, 0-0 हो गया ना, माइनस में नहीं है, 0 हो गया ना। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो सिंपली आप लोग को देखिए सेचुरेशन को कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से -70 कर देना है। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि आप लोग के देखिए फेस के ऊपर व्हाइट हो जाए, फेस हम लोग का व्हाइट हो जाए। ठीक है मेरे भाई, सॉरी फेस के ऊपर नहीं, हम लोग का फेस व्हाइट हो जाएगा। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाना है। देन इसका भी ल्यूमिनस कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो 8 बढ़ा दे रहे हैं, 8। इतना करने के बाद सेचुरेशन को भी कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो -9 कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को देखिए ह्यू को भी कुछ इस तरीके से आप लोग अपने शर्ट या टी शर्ट का कलर चेंज करना चाहते होंगे तो आप लोग ह्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है भाई, तो कुछ इस तरीके से -19 कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद सिंपली आप लोग को देखिए फिर से इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। देन इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आपको कलर एंड वाइट डायरेक्शन को बढ़ा देना होगा। जो भी आप लोग के फेस के ऊपर रेड टोन आया होगा ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, वाइट डायरेक्शन को 100 करेंगे। तो इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को देखिए कलर एंड वाइट डायरेक्शन को भी आप लोग को 100 कर देना है, एंड स्मूथनेस को भी आप लोग को 100 कर देना है। तो फिर हम लोग एडिट कर चुके हैं लाइटिंग एप्लीकेशन के अंदर, देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए फिर फोटो को सेव कर लेते हैं। सिंपली आप लोग को इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। देन इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली देखिए सेव टू डिवाइस, उस पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। तो फ्रेंड फोटो सेव करने के बाद सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा टूल विज एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, आप लोग को बताएंगे टूल विज एप्लीकेशन के अंदर आप लोग अपने हेयर को फुल HD कैसे स्टाइलिश में एडिट कर पाएंगे। तो सिंपली फ्रेंड हम लोग शेयर कर चुके हैं टूल विज एप्लीकेशन के अंदर हम लोग अपने फोटो को। शेयर करने के बाद सिंपली आप लोग को देखिए इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। ठीक है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद सिंपली आप लोग को देखिए सॉफ्ट स्मूथ पर क्लिक कर देना होगा। देन सॉफ्ट स्मूथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक दिया है। ठीक है भाई, तो सिंपली आप लोग को 10 वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन 10 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप लोग के हेयर पे एंड आप लोग का जो भी जहाँ जहाँ हेयर होगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, यानी मतलब कि कितना भी आप लोग का हेयर अच्छे से स्टाइलिश में एडिट हो जा रहा है। तो सिंपली में देखिए हम अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा। तो देखिए 5 नंबर पे हमारा हेयर अच्छे से परफेक्ट बैठ गया। ठीक है भाई, 5वें नंबर पे सिंपली इतना करने में सिंपली देखिए आप लोग को कॉर्नर में MASK लिखा होगा, सिंपली आप लोग उस पर आ जाइएगा। देन उस पर आने के बाद सिंपली आप लोग को देखिए क्लीन वाला ऑप्शन होगा, सिंपली आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। देन उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का हेयर पर से जो भी इफेक्ट आया रहेगा ऑटोमेटिक हट जाएगा। इतना करने में सिंपली आप लोग को फोटो को जूम कर लेना है, एंड सिर्फ आप लोग अपने हेयर पर अप्लाई करेंगे ना तो देखिए इतना अच्छे से आप लोग का हेयर स्टाइलिश में एडिट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग को क्या करना होगा, अच्छे से आप लोग अपने हेयर पे अप्लाई कीजिएगा ब्रश को। ठीक है मेरे भाई, जब आप लोग अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आप लोग के हेयर पे अच्छे से इफेक्ट जचेगा। ठीक है मेरे भाई, यानी मतलब कि गजब का लुक आ जाएगा फोटो में। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड, अभी आप लोग बताएंगे फेस को स्मूथ करेंगे तो ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। इतना करने के बाद सिंपल आप लोग यहाँ से डन कर देंगे। डन करने में सिंपली फिर देखिए थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड, तभी आप लोग मेरे जैसे एडिटिंग सीख पाएंगे। इतना करने में सिंपली फ्रेंड देखिए कॉर्नर में देखिए इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा।
फोटो सेव करने बाद फिर आप लोग को फिर से शेयर कर लेना होगा स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। आप लोग को बताएंगे फ्रेंड फेस को स्मूथ करेंगे किस तरीके से, स्मूथ करेंगे तो आप लोग के फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा, ठीक है। यानी मतलब कि देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो सिंपली आप लोग को भी शेयर कर लेना होगा स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। देन शेयर करने के बाद सिंपली आप लोग को टूल्स वाले आइकन पर चले जाना होगा। टूल्स वाले आइकन पर जाने के बाद सिंपली आप लोग को लेंस ब्लर पर क्लिक करना है, ठीक है। लेंस ब्लर पे आप लोग को क्लिक कर देना होगा। लेंस ब्लर पे क्लिक करने में सिंपल आप लोग देखिए इसको जीरो कर देना है, ठीक है। विग्नेट स्टैंड को जीरो कर देना है। इंटरैक्शन को अपने फोटो के हिसाब से कुछ इस तरीके से रखिएगा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से, तो प्लस 30 रख देना है फ्रेंड। इतना करने में इसको आप लोग छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। छोटा करने में सिंपल आप लोग को कॉर्नर में अच्छे से एडजस्ट कर लेना होगा। एंड ब्लर स्टैंड को कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से जितना आप लोग ज़्यादा फुल एचडी स्मूथ करना चाहते होंगे तो आप लोग 100 कर लीजिएगा, और मीडियम में करना चाहते होंगे तो आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है भाई, सॉरी अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए 81 प्लस कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद सिंपली देखिए आप लोग को इस वाला ऑप्शन पे चले जाना होगा। शेयर के बगल में एरो का निशान होगा, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर लेना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको व्यू एडिट्स पे आ जाना है। देन व्यू एडिट्स पे आने के बाद सिंपली आपको लेंस ब्लर पे क्लिक कर देना है। लेंस ब्लर पे क्लिक करने के बाद सिंपली देखिए ब्रश वाला आइकन ओपन हो जाएगा। सिंपली देखिए आपको दिखाते हैं, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप लोग का फोटो था स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर शेयर किए रहेंगे उसी तरीके से फिर से आप लोग का फोटो हो जाएगा। तो फोटो को जूम कर लेना है, ठीक है। और इधर देखिए आपको दिखाते हैं एक आई का ऑप्शन होगा बगल में, ठीक है, नीचे। तो सिंपली आप लोग उस पर क्लिक करके आप लोग जब भी फेस को स्मूथ कीजिएगा तो उस पर क्लिक करके और फेस को स्मूथ करेंगे तो आप लोग के फेस के ऊपर एक रेड अप्लाई आएगा, ठीक है। ब्रश आप लोग जब भी अप्लाई करेंगे तो एक रेड रेड बन जाएगा, स्मूथ जहाँ होगा ना आप लोग का फोटो वहीं पे रेड रेड शो करने लगेगा। तो आप लोग फेस को स्मूथ करेंगे तो ये आई वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जब भी आप लोग फेस को स्मूथ करेंगे ना तो रेड रेड शो करेगा, यानी मतलब कि आप लोग का फेस अच्छे से स्मूथ होगा। देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ से हटा देंगे तो देखिए आप लोग का एक ही लेवल में फेस स्मूथ हो रहा है। देखिए आप लोग को जीरो कर देना है, अगर मान लीजिए इरेज करने नहीं आता है तो सिंपली आप लोग यहाँ से जीरो कर लीजिएगा और अच्छे से इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको दिखाते हैं कितना अच्छे तरीके से हम अपने फेस को स्मूथ करेंगे तो फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ से 100 कर लीजिएगा एंड फोटो को जूम कर लीजिएगा। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लैक है, देखिए आपको दिखाते हैं बहुत सारा ब्लैक है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को अच्छे से एडजस्ट करना है, ब्रश को आप लोग को अच्छे से अप्लाई करना है। देखिए मेरे भाई कितने अच्छे तरीके से फेस स्मूथ हम लोग का हो रहा है। जो भी देखिए ब्लैक ब्लैक रहता है फेस के ऊपर, आप लोग स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर ब्रश को अप्लाई करेंगे लेंस टूल्स यूज करके, ठीक है। लेंस ब्लर टूल्स यूज करके आप लोग जब भी फेस को स्मूथ करेंगे तो आप लोग का फेस इतना इतना गजब का लुक आएगा ना फेस के ऊपर। देखिए जितना हम अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं फेस के ऊपर ब्रश को, देखिए कितना गजब का लुक आ रहा है, यानी मतलब कि कितना अच्छे से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो आई होप कि फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो डालूँ तब तक नोटिफिकेशन पहुँचे। आप लोग को क्या करना होगा, हल्के हाथों से फेस को स्मूथ करना होगा, ठीक है मेरे भाई। और देखिए आप लोग को मैं पहले ही बताया हूँ आप लोग को नोज को कैसे स्मूथ करना है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लेना होगा एंड आप लोग अच्छे से फोकस कीजिए। आप लोग क्या करते हैं एक ही में अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो आप लोग का नोज एक ही में मिक्स हो जाता है। तो सिंपली देखिए आप लोग यहाँ से इरेज कर लीजिएगा एंड आप लोग को यहाँ पे ब्रश पता है कितने पे चलाना है, 75 पे चलाना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से जैसे कि हम अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस के ऊपर, नोज पे आप लोग जब भी चलाइएगा ब्रश को तो 75 करके चलाइएगा। आप लोग 100 करेंगे तो देखिए एक ही में, जाहिर सी बात है फ्रेंड एक ही में मिक्स हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग इरेज कर लीजिएगा और अच्छे से 75 पे ब्रश को नोज के ऊपर अप्लाई कीजिएगा ब्रश को। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।